हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखिए, हमें गिवन है y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, और हम प्रूव करेंगे डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इक्वल जीरो। ओके, तो y क्या है, हमें y क्या गिवन है, 5 cos x माइनस 3 sin x, यही गिवन है। तो मैं पहले इसका डेरिवेटिव करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर लेते हैं हम, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। देखिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 5। देखिए, 5 यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, तो 5 को मैं बाहर रखूँगा और डेरिवेटिव करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x cos x का, और माइनस 3 बाहर रखूँगा, कॉन्स्टेंट है ये भी, डेरिवेटिव करूँगा मैं sin x का। ओके, फाइव एज इट इज रहेगा, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और माइनस 3 साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोश एक्स। ओके, अभी मैं इसको, इस माइनस है इसकी मल्टीप्लाई बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 5 साइन एक्स और माइनस 3 कोश एक्स। ओके, अभी इसका सेकंड, अभी इसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो देखिए, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल माइनस 5, ये तो कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव किसका होगा, साइन एक्स का, माइनस 3, ये तो कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव किसका करेंगे हम, कोस एक्स का। ओके, तो देखिए, माइनस 5 एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोस एक्स, और माइनस 3 एज इट इज कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ओके, अभी इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, जैसे माइनस 5 कोश एक्स, और माइनस, इस माइनस को अगर मैं बाहर ले लूँ तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ये 3 साइन एक्स। ओके, ये किसकी वैल्यू है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर की। अभी देखिए, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू, इसमें से मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, 5 कोश एक्स, और ये इसमें से माइनस था, इसमें से तो बाहर आ गया, इसमें से भी आएगा, तो ये साइन माइनस का हो जाएगा, प्लस की जगह 3 साइन एक्स। ओके, और हमारी y की वैल्यू क्या थी, 5 cos x माइनस 3 sin x, तो ये हमारी y की वैल्यू है, इसकी जगह मैं y रख देता हूँ, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस वाई। ओके, अभी इस y को इस साइड लेकर आऊँगा, तो क्या होगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल, सॉरी, इस साइड लेकर आऊँगा, तो ये माइनस वाई है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल जीरो। ओके, तो देखिए, हमें यही प्रूव करना था। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।